Dear students, today I will teach chapter 2 from civics class 7. In the last video, I taught role of government in health sectors. Good morning, dear students. In the last video, I started chapter 2 from civics, and the title of the chapter was role of or health services, and we got to know so many things. What is the role of the government providing healthcare facilities in our country? What are the challenges comes in the way of spreading awareness regarding health, and what are the challenges in providing healthcare facilities to the poor people? And also we got to know about the disease. What are the reasons of the disease? Today I will continue this chapter, and today we will get to know about the public health services and private health services. If we talk about the health services, there are two types of health services: public health services and private health services. First of all, we will talk about the public health services, which is directly operated by the government of any country. And if we talk about India, Indian government or state government, central government or state government. तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है शहरों में हमारे, वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं, जहाँ सारे तरह की बीमारियों के इलाजें भी होते हैं, जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं, और वहाँ ट्रीटमेंट भी किया जाता है और ऑपरेशंस भी किए जाते हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा। गांव की बात की जाए तो विलेज लेवल पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, जिनको हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं। वहाँ भी नर्सेज होते हैं, स्टाफ्स होते हैं, और मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, जो एक डॉक्टर होते हैं, उनके द्वारा वो रन किया जाता है। तो वहाँ भी बहुत सारा की सेवाएँ दी जाती हैं, जो केसेज विलेज में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे हैंडल करने वाले होने वाले नहीं होते हैं, उनको डॉक्टर्स जिला के अस्पताल में रेफर कर देते हैं, जो सदर अस्पताल के नाम से जाना जाता है। या अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर मेडिकल कॉलेजेस हों, जैसे हमारे दरभंगा में DMCH है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, तो क्रिटिकल केसेज को वहाँ दिया जाता है ट्रांसफ़र, या रेफर करते हैं डॉक्टर्स। वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, वो ट्रीट करते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में की अगर बात की जाए तो ये पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं, और यहाँ लोग जाते हैं, इलाज करवाते हैं। यहाँ उनको बहुत कम पैसे देने होते हैं। पैसे कम इसलिए देने होते हैं कि जो टैक्स हम लोग पेड करते हैं, ऑलरेडी उसी टैक्स से वो हॉस्पिटल चलता है, कोई बाहर से पैसा नहीं आता। ये बात अलग है कि वी डोंट पे मनी डायरेक्टली एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट। एक्चुअली indirectly we pay our tax, and government invest that tax on these facilities. तो हम लोग टैक्स के रूप में पैसे देते हैं, उससे ये स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को चलाती हैं। वहाँ सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, वहाँ इलाज भी होता है, ऑपरेशंस भी किए जाते हैं, लोग ठीक भी होते हैं। गवर्नमेंट हेल्थ केयर सर्विसेज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जितने भी बड़ी बड़ी बीमारियां जो फैलने वाली पेंडेमिक्स वगैरह आती हैं, उनके लिए गवर्नमेंट एक अभियान चलाती है, जैसे पोलियो है, मलेरिया, चिकनगुनिया, टीबी, जॉन्डिस, डायरिया, ये सब बीमारियां जो आती हैं, और ये काफ़ी घातक बीमारियाँ हैं। इससे क्या होता है कि लोगों को जो है सो टीके दिलवाने या दवा खिलवाने का काम सरकारी अस्पतालों द्वारा और स्टाफ्स के द्वारा किया जाता है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है गवर्नमेंट हेल्थ केयर का, हेल्थ सर्विसेज का सबसे बड़ा फ़ायदा है। अब बात करेंगे हम लोग पब्लिक हेल्थ प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज की। तो हम लोगों को पता है कि एक तो सरकारी हॉस्पिटल होता है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं। गाँव में भी अब काफ़ी प्राइवेट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट डॉक्टर्स बैठने लगे हैं। शहर की तो बात ही नहीं है, शहर में हम लोग देखते हैं कितने बड़े बड़े, अभी हमारे यहाँ पारस हॉस्पिटल है,
वो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। तो इस तरह से बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो है सो हमारे दरभंगा में खुले हुए हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पैसे ज़्यादा लगते हैं, वहाँ गरीब आदमी इलाज नहीं करवा सकता है। लेकिन उसका एक फ़ायदा है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो चलाए जाते हैं उसमें वो एक बहुत बड़ी संख्या को जो सो कवर करता है। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि प्राइवेट जो पैसे वाले लोग वो वहाँ जाकर भीड़ नहीं लगाते, इससे क्या होता है कि गरीबों को आसानी हो जाती है इलाज करवाने में। क्योंकि शहर के अगर पैसे वाले भी अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सारे चले जाएँ इलाज करवाने, तो एक तो वो अब वीआईपी होंगे, उनको पहले सेवा दी जाएगी, हम लोग किसी तरह से आगे हो जाएंगे इलाज करवाने में। इस तरह से क्या होगी, गरीबों का इलाज नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट देते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट क्लिनिक्स जो होते हैं डॉक्टर्स के। एक आधी आबादी जो है शहर की, या 30% या 40%, अगर इतना भी अगर कम हो गया तो बहुत हुआ। तो वो क्या होता है कि आधी आबादी जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि पब्लिक हॉस्पिटल्स जो हैं, जो DMC में चले जाते, किसी सरकारी अस्पताल है, वहाँ आबादी जो है कम होने की वजह से संख्या कम हो जाती है लोगों की। इससे क्या होता है कि लोगों को आसानी होती है अपना इलाज करवाने में, वो आसानी से करवा पाते हैं। ये सारे भी अगर वहाँ भीड़ जाएँ तो बहुत काफ़ी मुश्किल होगी। प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज का एक और बड़ा फ़ायदा है, जो बड़े बड़े टेस्ट होते हैं, एक्सरे है, MRI होता है, CT स्कैंस है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काफ़ी भीड़ होता है, तो सारे लोगों का एक समय में होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इससे क्या होता है, जो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज वाले डॉक्टर्स हैं वो अपना क्लिनिक सेटअप करते हैं। इससे फ़ायदा होता है कि इलाज मान लो सरकारी में भी अगर चल रहा है तो टेस्ट वो लोग बाहर से करवा लेते हैं, तुरंत जो है सो बीमारी का पता चल जाता है, और काफ़ी संख्या में होते हैं तो ज़्यादा लोगों के टेस्ट हो पाते हैं। इससे बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, गवर्नमेंट को भी ये सपोर्ट मिलता है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसकी इजाज़त भी दे रखी है कि आप प्राइवेट क्लिनिक्स चला सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी चला सकते हैं। ये बात अलग है कि वहाँ पैसे कुछ ज़्यादा ही लगते हैं, नाजायज़ भी पैसे लेते हैं, लेकिन हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान दोनों देखना होता है। फ़ायदे भी बहुत हैं, इमरजेंसी में लोगों की जानें तुरंत बच जाती हैं, तुरंत एडमिट करती, शायद सरकारी अस्पताल में उतना केयर नहीं किया जाता, तुरंत अगर आप भर्ती करते हैं तो मे बी डॉक्टर केयरलेस और रात को सेवा ना दे पाएँ। लेकिन प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज की बात की जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 24 आवर्स इमरजेंसी सेवा जो है प्रोवाइड करते हैं। ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, वहाँ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं जिनके द्वारा इलाज किया जाता है। थोड़ा एक्सपेंसिव होता है लेकिन फ़ायदा तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। टेस्ट, ट्रीटमेंट्स, मेडिसिन सबके पैसे लगते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट देता है हमारे देश को, देश के लोगों को, और लोगों की परेशानियां भी थोड़ा कम करता है, गरीबों की भीड़ नहीं लगाते हैं वो जाके सरकारी हॉस्पिटल्स में। काफ़ी फॉरनर्स भी आते हैं इंडिया इलाज करवाने, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं इंडिया में, जो फॉरेन भी आते हैं इलाज करने भी, और फॉरेन से पेशेंट्स भी आते हैं हमारे इलाज करने। ठीक है बच्चों, तो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल फिनिश दिस चैप्टर एक्चुअली। ओके, बाय।